नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा रिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, जो केस चल रहा है, हम लोग को भी पता है, सीजीएल जो है, सीजीएल एंड सीएचएसएल 2017 के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है रिजल्ट के पब्लिकेशन का। तो उसका जो केस अभी चल रहा है, वो अगर आप देखोगे तो केस का जो हियरिंग था, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग जो था वो 7 ऑफ सितंबर को था, लेकिन जो है ये डेट अभी चेंज हो गया है, ये डेट चेंज होके अभी हो गया है 22 नवंबर 2018। मतलब सोचो, बहुत दिन जो है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने आप देख सकते हो जो है अभी डेट एक्सटेंडेड हो चुका है, लेकिन अभी भी ये टेंटेटिव है, ये अभी भी पक्का नहीं है क्या ये डेट में ही होगा, क्योंकि आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही सारे बड़े बड़े जो इश्यूज़ आते हैं, तो इसीलिए ये धीरे धीरे जो है ये इतने दिन जो है पोस्टपोन हो चुका है। तो एक चीज़ आप मान लो, देखो, एज अ स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है, आप ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, कब होगा, नहीं होगा, क्या इसका वर्डिक्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, इसमें क्या होगा, वो बात की बात है, वो हम लोग एज अ स्टूडेंट हम लोग सोच नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि क्या फ्यूचर में होगा ये नहीं जानते, ये कैंसिल होगा या फिर जो कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, उनको जो है जो भी किया जाएगा, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ आज टीचर्स डे में आपको यही एक जो है मैसेज देना चाहूँगा, गाइस प्लीज़ एंड प्लीज़, आपके पास जो भी एग्ज़ाम्स हैं आप उसमें फोकस करो, रैदर देन इसमें सोच के क्या होगा, कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये सब सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करो, आपका काम पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये डेट्स चलते रहेंगे, ये लीगल प्रोसेस है, ये चलते रहेंगे, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, सिर्फ पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आपके पास एसएससी छोड़ के बाकी कोई भी एग्ज़ाम है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, अगर बैंक है तो बैंक का प्रिपरेशन करो, अगर आपके पास देखो अभी रेलवे का है, रेलवे का कम से कम एक जॉब लेके रखो, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी वैकेंसीज आती है वो करो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग ज़रूर करो, ठीक है। एसएससी का भी प्रिपरेशन करो, हार्ड कोर्स तैयारी करो, आपकी मैथ्स वीक है तो मैथ्स डेवलप कर लो, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश वीक कर लो, सो दैट आप जब भी एग्ज़ाम इसके बाद जो भी आता है आप 100% जो है उसको अच्छे से कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।